डिस्ट्रीब्यूट विगार्ड्स फैंस एंड लाइटनिंग की ओर से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यहाँ हर तरह के कूलर की बॉडी बनाई जाती है एक बार सेवा का मौका दे बजरंग पेट्रोल पंप के सामने शादरा चुंगी आगरा नमस्कार देश विदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ रक्षिता खान आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत खबरों की शुरुआत करते हैं कोविड 19 के नए स्टेन से जिसके आने के बाद पूरे विश्व में एक बार फिर हड़कम मचा है तो वहीं ब्रिटेन से आज अच्छी खबर मिली है देखिए रिपोर्ट वायरस के नए स्ट्रेन से दहशत में आए ब्रिटेन के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी की कोविड 19 वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है समाचार एजेंसी ए ने खबर दी है कि यूनाइटेड किंगडम नियामक द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनिका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है इसका मतलब है की अब जल्द ही इसकी पहली खुराक दी जाएगी बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों ने तीन आतंकियों को ढेर किया है देखे रिपोर्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है वहीं सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकाने का भांडा करते हुए हथियार कारतूस और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है तो वही पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम अभी भी जारी है देखे रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोला है टीएमसी सांसद सुरखेंदु शेखर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेज गवर्नर जगदीप धनखड़ को तुरंत पद से हटाए जाने की मांग की है सुरखेंदु ने इस ज्ञापन में लिखा है हम बताना चाहते हैं कि राज्यपाल संविधान को बचाने सुरक्षा करने एवं बचाव करने में विफल रहे हैं उन्होंने लगातार कानूनों का उल्लंघन किया है सुर्खेन्दु शेखर के अलावा सांसद सुदीप पदोपाध्याय सांसद डेरिक ओब्राइन सांसद कल्याण बनर्जी और सांसद कांकोली घोष दस्तर ने भी पश्चिम बंगाल के गवर्नर को पद से हटाए जाने की मांग करने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो वहीं तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को बैठे हुए प्रदर्शन में एक महीने हो चुके हैं लेकिन न सरकार पीछे हट रही है और न ही किसान पीछे हटने को तैयार है देखे रिपोर्ट तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक माह से आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं दूसरी ओर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही केंद्र और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत बुधवार को यानी आज होनी है वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा कि चर्चा केवल तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने पर हो इसी बीच केंद्र और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने इस बैठक में इस बारे में चर्चा की कि बुधवार को किसानों के साथ होने वाली वार्ता में सरकार का क्या रुख रहेगा कृषि मंत्री तोमर खाद एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ वार्ता में केंद्र का प्रतिनिधित्व केंद्र का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे तोमर ने सोमवार को कहा कि उन्हें गतिरोध को जल्दी दूर होने की उम्मीद है तो वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीबी पर सवाल उठाया है देखिए रिपोर्ट कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सवाल किया है कि वो ड्रग्स लिंक मामले में कंगना रनौत को कब बुलवाएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने ड्रग्स के सेवन के बारे में उनके बयान के साथ एक पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए पूछा कि इस लिंक के लिए उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है बता दें कि यह बयान कंगना द्वारा राज्य सरकार और शिवसेना पर हमले के एक दिन बाद आया है तो वही छत्तीसगढ़ में पिकनिक स्पॉट पे महिला की लाश मिलने से हड़कम मच गया देखे रिपोर्ट इस वक्त गरियाबंद से सनसनी खबर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत गरियाबंद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिकनिक स्पॉट चिगरा पगार पर एक महिला का शव बरामद हुआ है जिसके गले को चाकू से काटा गया है और साथ ही चाकू भी बरामद हुआ है इस महिला के चेहरे को छिपाने के लिए जलाने का भी प्रयास किया गया है इस घटना को लेकर पुलिस का पूरा अमला अधिकारियों सहित पहुंच गए हैं विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन सिंह राठौर के साथ अन्य भी हैं पुलिस सभी डॉग स्कॉट की मदद से आरोपियों की खोज खबर का प्रयास कर रही है साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि यह महिला किसके साथ और किस पर सवार होकर आई थी घटना के साथ ही पुलिस मुस्तैदी से जुट गई है इसमें प्रमुख रूप से पुलिस अधिकारी मोजराम पटेल का घटनास्थल पर पहुँचना यह बतलाता है कि घटना कितनी गंभीर है जिस पर वे स्वयं पैनी नजर रखे हुए हैं अब इस घटना का बड़ा रहस्य खुलने का लोगों को इंतजार है सर घटना को देखकर क्या लगता है क्या हुआ है सुबह एक पटवार के माध्यम से यहाँ के कोटवार के माध्यम से सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक अज्ञात अपने को महिला की डेड बॉडी मिली हुई थी हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ पर आई कोतवाली प्रभारी एडिशनल एस और डी एस सभी यहाँ पर आए हैं घटना स्थल को हम सभी लोगों ने देखा डॉग स्क्वाड भी हमारे साथ में आया था तो चूँकि घटना स्थल पर हम लोगों को नाइफ मानी सब्जी काटने वाला चाकू मतलब वहाँ पर मिला है और वहाँ पर आ, उसको साड़ी वाड़ी सब चीज़ उसके गले में आ, काटने के निशान हैं और उसमें आग लगाने के निशान हैं तो इससे पता इससे इन सभी चीज़ों को देखने से लगता है कि हत्या का केस है और इस पर अभी हम लोग डॉग स्क्वाड की टीम से हम लोग बाकी रूट को चेक भी कर रहे हैं वहाँ पर बाकी अन्य जो भी इसके संबंधित सबूत रहेंगे उसको खंगालेंगे और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रैक कर लेंगे सर ये एक नया सा लग रहा है देखकर ये पिकनिक स्पॉट सर का क्या तैयारी है यहाँ पर चूँकि अभी नया साल भी आने वाला है तो हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों को पूरा ब्रीफ करके रखा है कि हम लोग आज से ही इसमें हालांकि इसमें बल मतलब हम लोगों ने पूरी पुलिस व्यवस्था होती है फिर भी हम लोग नए साल को देख करके एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे यहाँ पर और पूरा मतलब सम, समुचित मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था भी हम लोग करेंगे अभी के लिए फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत धन्यवाद